थाना रकाबगंज क्षेत्र के बिजली घर चौराहा पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब बेकाबू ट्रक ने सवारियों से भरे दो ऑटो, बाइक और साइकिल को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है। थाना रकाबगंज क्षेत्र के बिजली घर इलाके में एक बेकाबू ट्रक मौत बन के सड़क पर दौड़ रहा था। यह ट्रक बिजली घर चौराहे से छिपीटोला की ओर जा रहा था। जब लोग मोटरसाइकिल और ऑटो से अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, तभी इस बेकाबू ट्रक ने बिजली घर चौराहे के पास आतंक मचा दिया और कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। मैं साइकिल पे थे, श्याम जी के मंदिर से इधर आ रहा था, एक ट्रक मतलब आया, ये 14 पहिए का, तो उसने एकदम मतलब सबको रोम दिया। मैं बचिया, मेरी साइकिल के पिछले पहिए पे पहिया फट गया। अगर मैं इधर गिर जाता तो मैं ख़त्म हो जाता। मतलब कहने का ये कि मतलब बहुत परेशानी में फंस गया, मेरी कमर में चोट आ गया। अचानक इस बेकाबू ट्रक ने सड़क पर दौड़ते कई ऑटो और मोटरसाइकिलों को अपनी चपेट में ले लिया। आनंद फानन में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बेकाबू ट्रक ने कई विद्युत पोलों, स्ट्रीट लाइटों को तोड़ दिया और कई मोटरसाइकिल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कई जनहानि नहीं हुई है, आधा दर्जन लोगों के मामूली चोटें आई हैं। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सर, मैं यहाँ से बिजली घर की तरफ से छिपीटोला की तरफ से जा रहा था, सामने से देखा कि ट्रक एकदम लहराता हुआ ला रहा था। मैंने साइड गाड़ी एक ऑटो के पीछे लगाई और देखा तो उसने ऑटो में गाड़ी ट्रक दिया और मेरी गाड़ी से गाड़ी में आगे ट्रक लगा। मेरी गाड़ी सारी पल्सर की जो गाड़ी है सारी टूट चुकी है। घटनाक्रम की जानकारी होते ही दुकानदार और पुलिस के सहयोग से ट्रक को रोक लिया गया, मगर मौका पाते ही ट्रक चालक फरार हो गया। पुलिस आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही में जुट गई है। सी न्यूज के लिए संदीप शर्मा की रिपोर्ट।